लोग खिड़की की तरफ देख रहे हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बॉन्ग लेडी। तो आज है वेडनेसडे एंड अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे एंड मैंने अभी से ब्लॉग करना चालू किया है। सुबह से मेरा प्लान था बट ड्यू टू यू नो मैं आज सो के उठी तकरीबन 11:30 बजे एंड क्योंकि 5 बजे तक मैंने कुछ काम किया ऑफिस का एंड देन आज मतलब दिन अच्छे से शुरुआत हुआ क्योंकि मैं जब उठी मैं देख रही हूँ अभिषेक चाय बना रहा है, ब्रेकफास्ट बना रहा है। तो सोचो एक काम तो चलो हो गया है, ब्रेकफास्ट रेडी। मुझे उठ के ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा वरना हेडेक रहता है कि उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो इसीलिए आज थोड़ा काम जल्दी हो गया है एंड दो तीन घंटे में मैंने सारा काम कर लिया है। एंड अभी मैं एक्चुअली छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए बट कपड़े सूखे नहीं है तो मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में ले लूंगी, ब्लॉग चालू कर देते हैं। रोज क्या होता है, मैं सोचती हूँ कि चलो ब्लॉग चालू करेंगे थोड़ी देर बाद थोड़ी, तो ऐसे करते करते 5-6 बज जाता है एंड चालू नहीं होता एंड फिर ऑफिस का काम आ जाता है। फिर मतलब वो दिन ऐसे ही, मतलब कल भी नहीं हुआ था, परसों भी नहीं हुआ था, 2 दिन ऐसे ही मतलब बाद में करूंगी बोल के हुआ नहीं है एक्चुअली। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे अभिषेक काम कर रहा है और मेरी बेटी सो गई है। तो आज मेरा कुछ प्लान है कि मैं केक बनाऊँ। जी हाँ, बहुत दिनों से केक नहीं बनाया है एंड बाहर से तो ऑलमोस्ट खाना बंद ही कर चुकी हूँ, चाहे वो बर्थडे केक हो एनिवर्सरी, मैं घर पे ही बना रही हूँ। तो टी टाइम केक मतलब बहुत दिन में नहीं खाए तो आज सोचा क्यों ना थोड़ा टी टाइम ब्रेक मतलब टी टाइम केक बनाए। इससे क्या होता है, हम नाश्ता भी हो जाएगा एंड जो केक करने का जो तलब रही है वो भी पूरा हो जाएगा। मेरे बैकग्राउंड से बहुत सारा बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उस बिल्डिंग के छत पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ हेंस एंड देसी मुर्गी वगैरह, उसके बाद बर्ड्स है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बर्ड्स, ओ माय गॉड, एक बर्ड शायद आपका उसके अंदर घुसा हुआ है, शायद बच्चा होगा वो, बाकी सब में तो घुसा नहीं है बट एक उसके अंदर ही है। एक प्यारा सा रैबिट है, पता नहीं आँख खुला है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये इधर भी है वाइट, दो वाइट है, इधर एक ब्लू एंड येलो है, ये कुछ मिक्सचर कलर है ब्लू एंड वाइट एंड येलो एंड वाइट में, और यहाँ ग्रीन एंड येलो। मुझे मालूम नहीं है इसका पैरट्स है, आई डोंट नो एक्चुअली क्या है, लगता है पैरट्स का बच्चा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका नाम मुझे नहीं मालूम। सो एनी वे, मुझे बर्ड्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। अभी नीचे जाने का टाइम हो गया है और केक बनाने का तैयारी शुरू कर देते हैं। सो अभी मैं घर पे आ गई हूँ एंड हम लोगों ने अभी तक लंच नहीं किया है, लंच हम लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं आज क्योंकि लंच जो है आज कुछ हेवी नहीं है, लंच बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि कल हमने चिली चिकन बनाया था। बाय द वे चिली चिकन का जो रेसिपी है मैंने जो कल बनाया था वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी दे दिया है, आज ही पब्लिश किया है, लाइफ ऑफ एन इंडियन लेडी। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक जरूर दे दूंगी तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, एकदम चाइनीज रेस्टोरेंट स्टाइल आपको रेसिपी मिल जाएगा। तो कल हम लोगों ने वो खाया था प्लस हम लोगों ने कुछ फ्राइड राइस भी खाया था। तो आज हम लोगों ने एकदम बंगाली जो एकदम सिंपल खाना होता है वो मैंने बनाया था, चलिए दिखाती हूँ मैं आप। आज हम लोग का लंच है ये राइस एंड सम आलू चोखा, बंगाली में हम इसे कहते हैं आलू शीदो एंड कोरिएंडर दाल, ये क्या धनिया का दाल, तो यही है आज हम लोग का लंच। और मैं वीडियो शूट कर रही थी और मेरी बेटी जग गई। नींद हो गई आपका? हाँ नींद हो गई आपका? हाँ अशंग, कौन सा चाइनीज भाषा बोलती है बोल तो। और सोना है आपको? हाँ और सोना है आपको? सोना है आपको? तो मैं जब वीडियो बना रही थी, बेसिकली मैं माइक यूज नहीं करती हूँ, तो मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ता है वरना आवाज आएगी नहीं, बहुत स्लो हो जाती है। तो उसी चक्कर में मेरी बेटी उठ गई है
एंड उठ के थोड़ा मतलब सुस्ता रही है वो अभी। तो चलिए केक बनाना चालू करते हैं। आज जो केक बनाऊंगी मैं थोड़ा अलग बनाऊंगी, मैं बिस्किट नहीं यूज करूंगी, मैं सूजी नहीं यूज करूंगी। नहीं तो आप मेरे अगर रेसिपी चैनल पे जाओगे तो अधिकतर आप देखोगे बिस्किट से मैंने बहुत सारा केक बनाया है, और मैदा, फिर मैदा से तो बनता है, मैदा तो लगेगा ही केक में, तो वो तो कंपलसरी है। सूजी से भी बनाया है, बट मैंने एक रेसिपी फाउंड किया जिसमें ना लगेगा सूजी, ना लगेगा बिस्किट, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में फटाफट हो जाएगा। और एक्चुअली केक खाने का सबका मन है, और मेरी बेटी भी आजकल केक बहुत पसंद कर रही है, तो फटाफट केक बनाती हूँ, शाम को चाय के साथ वो केक हम खाएंगे। सबसे पहले केक बनाने के लिए हमें चाहिए अंडा, और ये अंडा किसका है मुझे नहीं मालूम, ये अंडा इतना छोटा है। एक्चुअली मैं जिसके पास से अंडा वगैरह लेती हूँ वो दुकान बंद करने वाला था, दो तीन महीनों के लिए बंद करने वाला था, और उसके पास जो भी सामान है बहुत सस्ते में बेच दे रहा था, एंड उसके पास कुछ अंडे थे, तो उस बंदे ने अंडा दिया है, बट वो अंडे का जो साइज है, मैं लेके था कि तब चेक नहीं किया था, वो अंडे का जो साइज है बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब नॉर्मली जो अंडा रहता है उसका आधा है। फिर आई डोंट नो ये मैन्युअली हाथ से अंडा जो आजकल जो निकला है वो है या फिर ओरिजिनल है, मुझे डाउट है, बट स्टिल अभी लाई हूँ तो यूज कर लेती हूँ, क्या कर सकते हैं। तो केक बनाने का जितना भी सब इंग्रेडिएंट चाहिए मैंने ले लिया है। चाहिए बेसिकली आपको थोड़ा दूध चाहिए, वेनिला एसेंशियल चाहिए, उसके बाद मैदा चाहिए, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा बस, और दो अंडे। बाय द वे मैंने जो अंडा आपको दिखाया था वो अंडा सड़ा हुआ निकला, तो मुझे दूसरा अंडा लेना पड़ा, तो सस्ते का माल ऐसा ही होता है। तो ये मेरा केक ऑन प्रोसेस है, तो बेसिकली इसे मैं अभी थोड़ा मिक्स कर रही हूँ ताकि केक हमारा बहुत अच्छे से फूले। तो केक मैंने ऑलमोस्ट, मेरा जो मिक्सर था वो रेडी हो चुका है, एंड मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो बटर पेपर की जगह एक ट्रिक होती है, आप क्या बोलते हैं उसको, तेल और मैदे से आप उसे कवर अप कर सकते हो, तो मैंने वैसा ही कुछ किया है। ये रहा मेरा केक रेडी हो रहा है, इसे शायद 30-40 मिनट्स लगेगा। जो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, तो आई होप मेरा केक अच्छा बने, क्योंकि ऐसा केक मैं फर्स्ट टाइम रेडी कर रही हूँ। अगर अच्छा मेरा केक अगर अच्छा निकला तो मैं इसकी अलग से एक पूरा प्रॉपर एक बनाऊंगी, प्रॉपर रेसिपी बनाऊंगी, एंड आप लोगों को साथ शेयर करूंगी मेरे दूसरे चैनल पे। तो लेट सी, देखते हैं केक कैसा बनता है। ये ऐसा केक स्पॉन्जी, जो मैं थोड़ा स्पॉन्जी चाहती हूँ केक, तो अगर परफेक्ट एकदम बना तो बहुत बढ़िया है। क्या कर रही हो आप, किसे देख रही हो, किसे देख रही हो, किसे किसे देख रही हो, हाँ कौन है खिड़की में, कोई भी तो नहीं है, हाँ कौन है, हवा खा रही हो, हाँ किसे देख रही हो, दिखो लोग खिड़की की तरफ देख रहे हो, हाँ लोग खिड़की की तरफ देख रहे हो, हाँ तो अभी 5 बज चुका है एग्जैक्ट, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे, तो मैं अभी जा रही हूँ खाने के लिए जो हमने सिंपल लंच बनाया था। केक तो खाएंगे शाम को, और उसे बनने में टाइम भी लगेगा, और वो टी के साथ खाएंगे, तो अभी फिलहाल खाना खा लेना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा पता नहीं सिंपल खाना बना इसलिए शायद मुझे आज उतना जल्दी खाने का मन नहीं कर रहा था, बट भूख लगी है तो अभी खाना पड़ेगा मुझे कुछ। फाइनली मेरा जो लंच है वो हो गया है, अभी पता नहीं केक का क्या हालत है। ओ माय गॉड, इसमें बबल्स आ रहा है, इसमें बबल्स आ रहा है। तो मेरा केक रेडी हो चुका है, एंड ये रहा मेरा केक। मैंने जो केक बनाया है वो रहा ये, एकदम परफेक्ट बनाया है मेरा केक। ये देखिए, ये जो आपको बीच में ये दिख रहा है ये एक्चुअली शायद मैंने बटर पेपर यूज नहीं किया था, तो मैंने मैदा यूज किया था, शायद वो लगा हुआ है, बट बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है वेनिले का, क्योंकि मैंने इसमें वेनिला एसेंस डाला था। ऊपर से जब ये जो आप दिख रहा है ना सामने से, ये देखिए बबल आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मेरा केक खराब हो चुका है, बट बबल्स आने से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा,
केक बहुत अच्छा है, एकदम ऐसे डेकोरेट करेंगे तो एकदम बहुत बढ़िया दिखेगा। तो वैसे तो मैं ये टी केक बनाई हूँ चाय के साथ खाने के लिए। आई नो इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन, बहुत लोगों को नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत पसंद होता है चाय के साथ केक। हैप्पी बर्थडे करने वाली है, आता है काटना आपको? हाँ, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कैसे काटते है? ओ ऐसे काटते है? कैसे काटते है? ऐसे काटते है? ऐसे काटते है? ओ माई गॉड, केक का मर्डर कर दी। तो मेरी बेटी केक का ये हालत कर दिया है, ये देखिए क्या कर दी है, उसको केक करना पसंद है। तो फाइनली मैं काटने वाली हूँ केक, केक का हैप्पी बर्थडे होने वाला है। वाओ बहुत ही स्मूथ बना एक्चुअली। तो ये रहा केक का, ये बीच में टूट गया है बट बहुत ही सॉफ्ट बना है, अच्छा केक बना। तो केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये रहा केक, ये मेरा बेटी ने काटी है तो कैसे भी काट दिया है। बहुत अच्छा बना है ये। मैं इसका रेसिपी एकदम प्रॉपर बना के मैं अपने दूसरे चैनल में जरूर दूंगी। अभी मैं इसको चाय के साथ एंजॉय करने वाली। अभी हम लोग चाय और जो केक बनाए वो खा रहे हैं। तो हम लोग का आज का जो नाश्ता है, टी टाइम स्नैक जो हो गया वो हो गया हम लोग का। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। आप लोग देख सकते हो कि लाइट थोड़ा बहुत कम आ रहा है क्योंकि रात हो चुकी है और मेरे घर में यहाँ पे थोड़ा लाइट, एक ही लाइट है। सो नहीं करते ऐसा बाबा। सो बस आज के लिए इतना है, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर जी।